ओके okay. चलो तो एक्चुअल चैप्टर अब हम शुरू करेंगे। एक बार मैं सारे स्टैंडर्ड फॉर्मूला, सारे रूल्स एक बार सामने लिख देती हूँ, ठीक है? फिर हम शुरू करते हैं नया रूल विच इज चेन रूल। ओके, चेन रूल को अपन शुरू करेंगे। सो चलो लेट्स रिवाइज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला फर्स्ट। ओके, सो जो जो हम लोगों ने अभी तक सीखा जस्ट उसको मैं लिस्ट आउट कर लेती हूँ यहाँ पे, ठीक है? y dy by dx, if you have constant, constant means terms free from x, जिसमें कोई x नहीं है, that is constant, okay? So अगर constant है तो derivative zero आएगा, अगर x raised to n है डेरिवेटिव एन एक्स रेस टू एन माइनस वन आएगा, अगर चलो इसके कुछ सब पार्ट्स रूट एक्स है तो इट बिकम्स वन बाय टू रूट एक्स, वन बाय एक्स है तो इट बिकम्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है? देन इफ इट इज ई रेस टू एक्स, सॉरी लेट्स टेक इट ए रेस टू एक्स फर्स्ट, if it is a raised to x it becomes a raised to x log a, if it is e raised to x it becomes e raised to x, if it is log x then it is 1 by x, all right? So ye sare tumhare y ke possibilities hai aur these are your dy by dx, okay? Fir hum logon ne kuch addition rules dekhe the, suppose y is equal to u plus v plus or minus v, then dy by dx becomes what, du by dx plus or minus dv by dx, okay? If you have y is equal to k into fx, then that becomes dy by dx is equal to k into dfx by dx, which is k into f dash of x, right? Okay, तो ये था तुम्हारा, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला थे, ये तुम्हारा रूल नंबर वन था, ये रूल नंबर टू था, then we had seen product rule also, u into v, where u and v are functions of x, okay? So dy by dx becomes what? V du by dx plus u dv by dx. Textbook में उन्होंने u dv by dx पहले लिखा है, अभी उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तुम पहले v du by dx लिखो या फिर u dv by dx लिखो, because anyways it is addition, है ना? So addition है तो उसका sequence change हुआ तो इतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, so this is what your product rule, ठीक है? Then quotient rule, y is equal to u by v, then dy by dx becomes v du by dx minus u dv by dx upon v square, okay? Upon what? V square. तो ये सारे रूल्स हमने अब तक देखे हैं, ठीक है? अब इसके आगे हम लोग जाएंगे चेन रूल की तरफ, ओके? लेट्स मूव टू चेन रूल। अब देखो तुम्हारा फर्स्ट एक्सरसाइज जो है, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रही हूँ, तुम्हारा फर्स्ट एक्सरसाइज जो है दैट इज बेस्ड ऑन चेन रूल, ओके? तो चेन रूल का अभी फर्स्ट एक्सरसाइज में बहुत लेंथी मेथड दिया हुआ है, ठीक है? तो जब भी क्वेश्चन सिर्फ चेन रूल पे होगा, मतलब इस डिफरेंशिएशन चैप्टर में तुम्हें बहुत सारे टाइप्स देखने को मिलेंगे, 3.1 में कुछ एक टाइप है, 3.2 में कुछ और टाइप है, 3.3 में कुछ और टाइप है, तो ऐसे बहुत सारे टाइप्स देखने को मिलेंगे। तो 3.1 इज ऑल अबाउट चेन रूल, ओके? तो 3.1 में जो भी क्वेश्चंस हैं, ओके, वो मैं दो मेथड से सॉल्व करूंगी हर एक क्वेश्चन, ठीक है? मेथड वन एंड मेथड टू। मेथड वन इज देयर इन योर टेक्स्ट बुक, बट आफ्टर 3.1 यू विल रिक्वायर मेथड टू,
Okay. So the question is based on only on chain rule. Question is based only on chain rule. Then you will be using method one. Okay. Matlab, in short, 3.1 ke questions सारे के सारे किससे होंगे? Method one से होंगे. ठीक है? चलो, so let's start now. What is this chain rule? Let's talk about it. Okay? देखो, ध्यान दो अभी अच्छे से. Suppose मैंने कुछ examples से समझते हैं. ठीक है? Suppose you have y is equal to e raised to x. dy by dx क्या लिखोगे? dy by dx is e raised to x. It's easy. Okay? लेकिन अगर expression कुछ इस तरीके से है, y is equal to e raised to x square plus 1, क्या हुआ यहां पे? अगर observe करोगे, तो तुम्हें दिखेगा कि x के जगह पे क्या आया है? x square plus 1 आया है. Am I right? Okay, x के जगह पे x square plus 1 आया है. तुम सोचोगे चलो इसका भी differentiation कैसे होगा फिर? e raised to x की तरह ही होगा. dy by dx is equal to e raised to x square plus 1. But नहीं, ऐसा नहीं होता है. यहाँ तो यह आधा answer हो. This is half answer. आगे हमें क्या करना है? जो भी x के जगह पे आया है, x के जगह पे कौन आया है? x के जगह पे कौन आया है? x square plus 1 आया है. Okay? x के जगह पे कौन आया है? x square plus 1 आया है. तो जो भी x के जगह पे आया है, उसके differentiation से multiply करो. Okay? जो भी x के जगह पे आया है, उसके differentiation से क्या करना है? हमें multiply करना है. This is complete answer. This is your method 2. Method 2 बहुत आसान है, but 3.1 में everywhere they have used method 1. So we are going to follow that, at least for 3.1. Okay? So dy by dx क्या होगा फिर? dy by dx is equal to what? e raised to x square plus 1 into x square का differentiation सब लोग जानते हो? X square का differentiation कैसे होगा? Differentiation of x square with dx. How is it going to be? It's like x raised to n. So n into x raised to n minus 1. So that becomes 2x. So x square का differentiation क्या होगा? 2x. And 1 का differentiation क्या होगा? 0. Yes, yes. I will repeat. Don't worry about it. Okay? So what is this? This becomes e raised to x squared plus 1 into 2x. चलो, ध्यान दो अच्छे से, फिर से एक बार हम इसको समझते हैं कैसे किया. हाँ, वीडियो बंद किया है मैंने. ऑन करना है अनुजा? अनुजा ऑन करना है वीडियो? चलो ठीक है, चलो, अनुजा की बात सुनते हैं हम. चंदी भी कोई बात नहीं, खुश. ऑल राइट, सो ओके. हियर, समझ ली इसको अच्छे से. सो के उठी हूँ? नहीं रे, नहीं, 6 बजे उठी हूँ मैं. क्या बात कर रहा तू? y is equal to e raised to x. ओके, so what is dy by dx? dy by dx is e raised to x, because e raised to x ka differentiation e raised to x hi hota hai. All right, ab hamara question kaise modify hua? Hamara question modify hua y is equal to e raised to x square plus 1. Okay, ab change kya hua yahan pe? X ke jagah pe kaun aaya hai? Dekho zara, x ke jagah pe x square plus 1. All right, x ke jagah pe x square plus 1. तो कैसे लिखोगे फिर इसका आंसर? dy by dx. सबसे पहला स्टेप तो बहुत आसान है. क्या है सबसे पहला स्टेप? दिस इज e raised to x ना, इट इज लाइक e raised to x, है ना? दिस एक्सप्रेशन इज लाइक e raised to x.
तो e raise to x का differentiation e raise to x ही होता है, तो वैसे ही e raise to x square plus 1 का differentiation e raise to x square plus 1 ही होगा, है ना, e raise to x का differentiation e raise to x होता है, तो e raise to x square plus 1 का differentiation e raise to x square plus 1 ही होगा, but there is little change, क्या change है यहाँ पे, जो भी x के जगह पे आया है उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, x की जगह पे कौन आया है, x square plus 1 आया है, तो उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो x की जगह पे जो भी आया है उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करो, तो कौन आया है x की जगह पे, x square plus 1 आया है, तो इसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करो, x square का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x, 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, so 2x into e raised to x square plus 1. Tejashree, समझ में आया? Specs में age लगती हूँ? कितना age लगता है फिर मेरा specs with specs? कितना age लगता है? अनुजा, बाप रे. और वैसे कितना लगता है? वैसे कितना लगता है? ओके, मेथड टू हो गया, ये मेथड टू था, अब मेथड वन करेंगे अभी. ओके, मेरे एज के बारे में बहुत डिस्कशन होते हैं. चलो मेथड वन, नवंबर बैच में बहुत होते हैं. चलो मेथड वन की तरफ चलते हैं, ठीक है. ओके, अब मेथड वन तुम्हारे एक्चुअली टेक्स्ट बुक में मेथड वन यूज हुआ है, टेक्स्ट बुक में मतलब 3.1 में सिर्फ, ओके 3.1 में, ऑलराइट. अरे बहुत एंजॉय किया ट्रैक, क्या बात कर रही है, नवंबर वाले लोग तो उस ट्रैक से बाहर ही नहीं आ पा रहे, उसी में है अभी भी, बोल रहे हम बाहर ही नहीं आ पा रहे ट्रैक से. फिर मैंने बोला करते करते नवंबर में फिर से करेंगे एक बार, बोल रहे सर नहीं आए तो भी चलेगा, अपन चलते. चलो मेथड वन, हाँ लेट बहुत हुआ, एक्चुअली ऐसे नहीं होता जनरली इतना लेट, बिकॉज पिछली बार हमने किया था कितने 100-150 लोग थे, बट स्टिल हम लोग 10 बजे घर पे थे, 9:30-10 बजे घर पे थे, मैं 9:30-10 बजे घर पे थी, मतलब वहां पे तो काफी हाँ वही बहुत लेट हुआ, बहुत लेट हुआ, मैं भी 1:30 बजे पहुंची एक्चुअली, मैं उधर ही शिवाजी नगर से उतरी ना, तो मतलब एक्चुअली वही थोड़ा सा इस बार प्रॉब्लम हुआ मैनेजमेंट का, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से हुआ एक्चुअली, पिछली बार तो हम ट्रेन से आए थे, हमारे पास तो कोई ट्रैक का गाइड वाइड कुछ नहीं था, कोई नहीं था, बट स्टिल हम ट्रेन से वगैरह आए थे, वो भी 100-150 लोगों को लेके, एंड तब भी हम लोग टाइम पे पहुंचे, कोई इशू नहीं हुआ था, बट देन इस बार थोड़ा सा वो ट्रांसपोर्टेशन का भी इशू हुआ, फिर पिछली बार कैसे हुआ था ना, हमने ऐसे ही खाना पीना इतना एकदम मतलब शिद्दत से नहीं किया था अरेंज, हम ऐसे ही होटल में रुके थे और चलो जिसको खाना है खाओ खाओ फटाफट ऐसे किया, एंड देन निकल गए हम लोग, तो वो जल्दी जल्दी हो गया था फटाफट ऐसे, देखते हैं. बाप रे, ओ भी इसीलिए मैं स्पेक्स नहीं पहनती. चलो कम बैक टू द क्वेश्चन. ऑलराइट, सो देखो ध्यान दो भी अच्छे से, व्हाट आई हैव इन प्लेस ऑफ एक्स, व्हाट आई हैव इन प्लेस ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ओके सो यू इट्स x square plus 1. क्या बोला मैंने, x के जगह पे कौन आया है आइडेंटिफाई करो, कौन आया है x के जगह पे, x square plus 1, ओके उसको u ले लो, उसको u कंसिडर करो, ठीक है. नाउ व्हाट विल बी आर y, y विल बी e raised to u. Right? Y is what? Your e raised to u. Okay? अब इसको
ये तुम्हारा एक्सप्रेशन वन है, ये तुम्हारा एक्सप्रेशन टू है, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग, इक्वेशन वन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके। बहुत फालतूगिरी किया उन्होंने मेथड वन में, मुझे पसंद ही नहीं आया बिल्कुल। क्यों देने का इतना लेंदी मेथड अगर मेथड टू ही सब जगह पे यूज करना है तो। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर वन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सो डीयू बाई डी एक्स फिर भी तुम लोगों के साथ ज्यादा टाइम टाइम स्पेंड नहीं कर पाई मैं। नवंबर वालों का क्राउड ज्यादा था ना, तुम लोगों के साथ थोड़ा कम टाइम स्पेंड करने को मिला मुझे, बस वो अंताक्षरी वाला पार्ट। सो डीयू बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हुआ टू एक्स, वन का डिफरेंशिएशन कितना हुआ जीरो, ऑलराइट, ओके। इक्वेशन वन को मैंने विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से डिफरेंशिएट किया, ओके। अब इक्वेशन टू को वाई इज इन टर्म्स ऑफ यू ना, वाई इज इन टर्म्स ऑफ यू, तो इक्वेशन टू को हम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, हम इक्वेशन टू को यू के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ध्यान से सुने मैंने क्या बोला, इक्वेशन वन में क्या क्या है हमारे पास, यू हैव यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, ओके। तो यू इज इन टर्म्स ऑफ एक्स, सो आई हैव डिफरेंशिएटेड इक्वेशन वन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बट इक्वेशन टू जो है दैट इज इन टर्म्स ऑफ यू, सो डिफरेंशिएट इक्वेशन टू विथ रिस्पेक्ट टू यू, ओके। सो डिफरेंशिएटिंग, यही स्टेप्स है, कुछ अलग कुछ नहीं है। ओके, सो व्हाट इज दिस, डी वाई बाई डी यू इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेज टू यू विद डी यू, सो व्हाट इज दिस, डी वाई बाई डी यू इक्वल टू ई रेज टू यू का डिफरेंशिएशन ई रेज टू यू ही होगा, अंडरस्टूड? Understood. Now, what is my target? My target is to find out what? My target is to find out dy by dx. I don't want dy by du. I don't want du by dx. I want dy by dx. That's it. I don't want dy by du. I don't want du by dx. I want dy by dx. है ना? तो मुझे इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से मुझे क्या अरेंज करना है, dy by dx। तो देखो जरा dy by dx, इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं dy by du into du by dx। dy by dx को I can adjust as dy by du du by dx, okay? So dy by du is what? dy by du is e raised to u, and du by dx is what? 2x. dy by du is e raised to u, du by dx is what? 2x. अब क्या करोगे, u तो हमारे क्वेश्चन में है नहीं, हमारे क्वेश्चन में x है ना, इक्वेशन इज इन टर्म्स ऑफ x, देयरफॉर री सब्स्टिट्यूट u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, सो dy by dx इज इक्वल टू e raised to x square plus 1 into 2x. That's it. Easy. Method 1. कौन सा पसंद आया? Which one you liked? Method? Second. Method 2 is nice. Short and sweet. है ना? So, but 3.1 के लिए at least you have to follow this. Okay? सीधा सीधा खाना नहीं खाना, उल्टा खाना. क्या करें अभी? चलो लिख लो फटाफट, note कर लो fast. I will stop the recording. Note. चलो अगला क्वेश्चन करें try. अभी तक टेक्स्टबुक का क्वेश्चन नहीं ले रही हूं मैं, इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? क्वेश्चन टू,
y is equal to, try to solve this, log of x cube plus x. Chalo, try to get its answer first. सबसे ज्यादा कौन से टीचर से बात हुई तुम्हारी? याद दिलाओ, रिकॉर्डिंग भूल जाती हूं मैं, याद दिलाओ रिकॉर्ड करने का. सो एक्स के जगह पे जो भी आया उसको यू लिया, डीवाई बाय फिर वाई हो जाएगा लॉग यू, फिर वन को हमने एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो ये क्या हो जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन. नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन टू, with respect to u, okay? तो क्या होगा फिर, ये dy by du, dy by du ना is differentiation of log u with du. बता पाओगे क्या होगा, बता पाओगे क्या होगा? Yes, can you tell me? चलो बोलो इसका आंसर, फटाफट फटाफट फटाफट. हाँ बोलो, वन by u. Correct. One by u. Okay. तो हमें तो ये u वाला चक्कर चाहिए ही नहीं. Okay. हमें dy by dx चाहिए. तो क्या होगा? dy by du into du by dx. तो dy by du है कितना? One by u. और du by dx है कितना? 3x square. प्लस वन. अब इस यू को रीसब्स्टिट्यूट करना होगा ना. ओके, रीसब्स्टिट्यूटिंग यू इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स. सो डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक्स, और ये थ्री एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा. इतना लंबा मेथड है ना, बट ऑप्शन नहीं है, 3.1 के लिए करना पड़ेगा. ओके चलो, मेथड टू हल्का फुल्का है, सिंपल है, बहुत आसान है, अच्छा है, स्वीट है. ओके नाउ वाई इज व्हाट, लॉग ऑफ, सो डीवाई बाई डी एक्स इज व्हाट, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग ऑफ x cube plus x with dx. चलो इसको log x की तरह ट्रीट करो. अगर उसको log x की तरह ट्रीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 by x हो जाएगा. So it becomes 1 by x. But x के जगह पे कौन आया है, x के जगह पे ये आया है, उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करो. एक्स की जगह पे जो भी आया है उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करो. एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, एक्स का डिफरेंशिएशन 1. इजी. तो क्या हो गया फिर, ये 3x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक्स. इजी. ओके चलो, नोट इट डाउन फास्ट. जिनको नहीं आया, टेक वन मिनट, ट्राई टू ग्रास्प इट, एंड देन वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्सरसाइज करें शुरू अभी, एक्सरसाइज सिंपल है अभी. चलो एक्सरसाइज शुरू करेंगे अभी, ठीक है? चलो जिनका नहीं हुआ है, टेक वन मिनट एंड ट्राई टू नोट इट डाउन. कहाँ पे डाउट, कहीं पे डाउट होगा तो बोलो. यस, शेयर दैट. ये आज से सब शुरू हो रहा है क्या, मतलब मॉल वगैरह शुरू हो रहा है क्या आज से? Yes, ma'am, till 10 o'clock. अच्छा, okay. हम Saturday, Sunday भी चालू. क्या बात है, चलो अच्छी बात है. मतलब थर्ड वेव का भी कुछ सीन है ना, अभी भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यार फिर से. प्रीवियस क्वेश्चन का फर्स्ट, मतलब फर्स्ट एग्जाम्पल देखने आपके हो जाएंगे जहां तक कि तुम्हारे कॉलेजेस शुरू सितंबर से, मेरा अंदाजा है कि शुरू हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है.
डन विथ एक्सरसाइज 3.1? क्या बात है अनुजा, सच्ची में? यस मैम। क्या बात है, कब खत्म कर लिया? मैम पहले ही किया था। तो भाग रही है फिर, चलो बट अच्छी बात है, रिवीजन हो जाता है ना। और बोल रही है मैथ्स वीक है मेरा, मैथ्स पसंद नहीं है, सब बोल रही है तू। देखो मैम अभी पसंद आने लगा है, अभी पसंद आने लगा है। क्वेश्चन नंबर वन, फाइंड dy by dx, ओके? चलो फर्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 बाय x, ओके? क्या करना पड़ेगा बोलो, किसकी तरह दिख रहा है ये, रूट एक्स की तरह दिख रहा है, रूट एक्स है ना। अगर ऐसे होता तो y इज इक्वल टू रूट एक्स होता तो तुम फटाक से बोल देते थे dy by dx इज व्हाट, 1 बाय टू रूट एक्स, फटाक से बोल देते थे ना। चलो मेथड वन मेथड टू दोनों मेथड से करेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी, ओके? थोड़ा टाइम लगेगा बट यस, भागना नहीं है हमें ना, आराम से करेंगे, कोई बात नहीं। मेथड वन मेथड टू, चलो मेथड वन मतलब एक्स की जगह पे जो भी आया है उसको यू ले लो, यू इज व्हाट, सबसे शांत तो परा गए तुमने यार, कुछ बोल ही नहीं रहा, कुछ बोलता ही नहीं मतलब। सो वाई इज व्हाट, u हो गया ना, so that is root u, okay? Now first को x के respect में derivative ले लो, differentiating equation one with respect to x, okay? तो du by dx is what? Differentiation of x plus 1 by x with dx. Okay? Differentiation of x is 1. And differentiation of 1 by x kya hota hai? Minus 1 by x square? Yes. Everyone knows this. Hai na? So what is this? 1 minus 1 by x square. यू लिया, डिफरेंशिएट किया, ओके? अब क्या करना पड़ेगा बोलो, चलो फटाक से तुम्हारी तरफ से आंसर आने चाहिए, बोलो बोलो नेक्स्ट स्टेप क्या है अपना, चैट बॉक्स में बोलो जल्दी जल्दी, आंसर लीक मत करो बस। वेरी गुड, कौन सी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा अभी एंड विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, वी हैव टू डिफरेंशिएट इक्वेशन टू विथ रिस्पेक्ट टू यू, ओके? सो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन टू विथ रिस्पेक्ट टू यू, ओके? सो डी वाई बाय डी यू इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ रूट यू विथ डी। So what is this? dy by du is what? 1 upon 2 root u. ठीक है? हमें क्या चाहिए? dy by dx चाहिए ना? तो ये सब नहीं चलेगा. dy by dx is dy by du into du by dx. dy by du क्या है? 1 upon 2 root u. du by dx क्या है? 1 minus 1 by x square. अब रीसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा ना u का वैल्यू, रीसब्स्टिट्यूटिंग u इज इक्वल टू x प्लस 1 by x, ओके? सो dy by dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट ऑफ x प्लस 1 by x. तो ये क्या हो जाएगा, x square माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, रख दो ऐसे, कुछ अरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं है, ओके? नॉट एट ऑल नीडेड। एनी डाउट टू एनीवन? अब उन्होंने आंसर कुछ हाफ हाफ के टर्म में दिया हुआ है, कुछ डरो मत,
उन्होंने बस ये जो फाइनल आंसर जो तुम टेक्स्ट बुक के पीछे देखोगे ना, तो ये रूट जो है ना इसको उन्होंने बस ऊपर लिया है, x प्लस वन बाई एक्स टू माइनस हाफ, इतने सब करने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं. ओके टू फेवरेट वन. चलो क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू यू. हमने रूट के साथ कंसिडर क्यों नहीं किया, रूट के साथ ही तो कंसिडर किया है हमने, रूट के साथ ही कंसिडर किया है ना हमने. देखो अच्छा ओके ऐसा ऐसा, बट फिर उसका मतलब क्या होता फिर. हमारा फॉर्मूला जो है उसको उसमें रूट है ना, तो हमें इसमें भी रूट रखना पड़ेगा ना. वाई इज इक्वल टू रूट यू, जो भी x के जगह पे आया है ना उसको सब्स्टिट्यूट करो. ओके जो भी x के जगह पे आया है उसको सब्स्टिट्यूट करो, तो x के जगह पे x प्लस वन बाय एक्स है, रूट तो ऑलरेडी है हमारे फॉर्मूला में, तो उसको सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं है. ओके एक महीने तक तो यार थोड़ा डिफिकल्ट है शुरू होना. शुरू हो जाना है पर चाहिए पर यार जल्दी, बहुत बोर हो गए अभी बैठे बैठे, बहुत बोर हो गए. सितंबर एंड देखते हैं. डी वाई बाई डी एक्स, ये तुम्हें मेरे बर्थडे के बारे में कैसे पता चला अनुजा, कहां से पता चला, कैसे पता चला, सीनियर्स ने बताया. मैम फाउंडेशन के बैच में डिस्कशन हुआ था हम लोग का एक बार. क्या हुआ था मैम की सितंबर में मतलब आवाज नहीं आई तेरी, आवाज नहीं आई. सितंबर में हम लोग के बैच में किस किस का बर्थडे होता है आपने पूछा था. अच्छा अच्छा ऐसे पूछा था मैंने, हाँ कोई तो भी बैच में पूछा था मैंने, राइट. और किसी का तो भी था ना, किसका था, मेरा ही. हाँ इसलिए तुझे याद है. ओके आपका 26 को होता है ना. हाँ राइट राइट. चलो सो डी वाई बाई डी एक्स दिस इज व्हाट रूट एक्स. अनुजा को पता है, अनुजा को पूछो अब सब लोग. सो रूट एक्स की तरह ट्रीट करो इसको, सो इट बिकम्स 1 बाय टू रूट एक्स इनटू एक्स के जगह पे जो भी आया है उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करो. दिस इज व्हाट 1 बाय टू रूट एक्स, और एक्स की जगह पे जो भी आया है उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करो. सो 1 बाय टू रूट ऑफ एक्स प्लस 1 बाय एक्स इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1, 1 बाय एक्स का क्या हो जाएगा माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर. इजी डन, फटाक से आंसर आ जाता है यार, उतना फालतू का मेथड करना पड़ता है हमें इतना बड़ा है ना, बट अभी ऑप्शन नहीं है. सिर्फ चेन रूल पे क्वेश्चन है, मतलब इफ द क्वेश्चन इज लाइक 3.1 क्वेश्चन, 3.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन जैसा कुछ क्वेश्चन पूछते हैं जिसमें सिर्फ चेन रूल लगाना है, तो ऐसे क्वेश्चन को हमें कुछ इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा मेथड वन से. ओके थोड़ा लंबा रास्ता पकड़ना पड़ेगा. चलो चले आगे, अभी चलो आगे बढ़ते हैं. आप क्वेश्चन टू चलो ट्राई करो, आई विल गिव सम टाइम. चलो डी वाई बाई डी एक्स लेना है, मेथड वन मेथड टू. चलो ट्राई टू गेट इट्स आंसर. ओके सो क्या हो जाएगा, ये यू के जगह पे ये चीज है ना अपनी, एक्स इज टू वन बाई थ्री की तरह ट्रीट किया, तो सो दिस बिकम्स डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x. ओके अब इक्वेशन 2 को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू यू.
differentiating equation 2 with respect to u. Okay, तो क्या होगा dy by du is equal to differentiation of this. So what is this dy by du? This is like x raised to n na? Easy? Okay, तो क्या हुआ फिर dy by du becomes 1 by 3 e raised to minus 2 by 3 e raised to minus 2 by 3. अब u को रीसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा हमें एट द एंड है ना. सो dy by dx इज इक्वल टू व्हाट dy by du इनटू du by dx. राइट, तो dy by du है कितना 1 by 3 u raised to minus 2 by 3. And du by dx कितना है? Du by dx is 2x. Easy? अब re-substitute करो. Re-substituting u is equal to a square plus x square. तो क्या हो जाएगा फिर? Dy by dx. U is what? A square, ये 2x आया. Easy? इतना लंबा मेथड यूज करके dy by dx फाइनली आ गया. अब चेक करें मेथड 2. यस, मेथड 2 चेक करते हैं. dy by dx is differentiation of a square plus x square 1 by 3 with dx. Now this is like x raised to n. है ना? This is like x raised to n. तो x raised to n को कैसे लिखोगे तुम? 1 by 3 n into x raised to, x की जगह पे कौन है? X square plus a square. X raised to n minus 1. अब x की जगह पे कौन है? This one. उसके differentiation से multiply करो. उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करो. सो व्हाट इज दिस 1 बाय 3 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. दिस इज व्हाट माइनस 2 बाय 3 इनटू ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x. ओके, तो क्या होगा 2x अपॉन 3 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 बाय. Easy. Okay. Very, very, very easy. Right. Chale aage. Everyone. Same answer. Okay. Last question karenge. Halka fulka hai. Kuch bhi difficult nahi hai. It is very simple. Okay. Likh leti hu main screen pe question. You try it out. Question 3. Y is equal to 5x cube. Test Thursday ko hoga. ठीक है, Thursday ko test hoga. चलो. हाँ. याद है मुझे, तूने बोला था देव, इसलिए मैंने थर्सडे को रखा. और वैसे भी मुझे वीकेंड तक स्ट्रेच नहीं करना है उसको. तो फ्राइडे का लेक्चर नहीं करेगा तू अटेंड? फ्राइडे का लेक्चर अटेंड नहीं करेगा? अच्छा, हाँ बॉम्बे जा रहा है. बॉम्बे घूमता रहता है वो भी, काफी काफी घूमता रहता है वो.
चलो अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. अगस्त संडे को आया है ना 15 अगस्त. काफी सारे लोगों को बहुत बुरा लगता है 15 अगस्त जब संडे को आता है तो. वही ना. बट वैसे भी ट्यूशन को छुट्टी नहीं रहती भले ही 15 अगस्त हो. ट्यूशन को छुट्टी नहीं रहती. चलो मेथड वन मेथड टू. वाई इज वॉट 5x³ - 4x² - 8x⁹. ओके दिस इज लाइक x⁹. सो u के जगह पे हम क्या लिखेंगे. u इज 5x³ - 4x² - 8x फर्स्ट है ना. तो y क्या हो जाएगा. y इज इक्वल टू यहाँ पे लिखते लेट यू रेस टू 9 जिस सेकेंड है ना. मेथड टू कर लोगे ना. मेथड वन बस मैं एक्सप्लेन करूंगी. मेथड टू कर लोगे ना. यस मेथड वन मेथड टू सिंपल है. डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन वन with respect to x, du by dx, differentiating 5x³ - 4x² okay, so du by dx is equal to 5x³ का differentiation 5 को बाहर निकालो. x³ का डिफरेंशिएशन 3x² 4 को बाहर निकालो. x² का डिफरेंशिएशन 2x सही है ना. डायरेक्ट लिख लू ना कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना. कांस्टेंट टर्म अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो उसको अपन बाहर लेते हैं. तो ये देखो मल्टीप्लिकेशन में तो उसको मैंने बाहर लिया 5 × x³ का डिफरेंशिएशन 3x² 4 बाहर लिया x² का डिफरेंशिएशन 2x अब -8x में 8 को बाहर ले लो. तो क्या हुआ फिर ये 15x² - 18x - 8. ओके दिस इज डी यू बाई डी एक्स. अब इक्वेशन 2 को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा बट विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट. विथ रिस्पेक्ट टू यू. डिफरेंशिएटिंग equation 2 with respect to u. okay to kya ho jayega fir ye dy by du is equal to differentiation of u raised to 9 with u. so dy by du is equal to 9u⁸. okay अब हमारा क्या टारगेट है. हमारा टारगेट है dy by dx फाइंड करना. तो dy by dx कैसे निकालोगे. dy by du into du by dx. तो dy by du है कितना 9u⁸ और du by dx कितना है. du by dx is अरे 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 भाग रही है 15x² - 8x - 8. अब u के जगह पे क्या लिखोगे. u के जगह पे दिस टर्म 5x³ - 4x² - 8x. ओके 8x² - 4x² 8x. ओके रीसब्स्टिट्यूट किया ना हम लोगों ने. Re-substituting.
what u is equal to 5x cube minus 4x squared minus 8x. हाँ, यहाँ पे raise to 8 भी आएगा. चलो इसको मैं फिर से लिखती हूँ. नाइन इंटू फाइव एक्स क्यू माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स रेज टू एट फिफ्टीन एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स माइनस एट. ऑल राइट, ओके, इजी. तो बच्चों में दो क्वेश्चन सब है, कल करते हैं, ठीक है. सो आज का लेक्चर फिर से एक बार सुन लो, अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो. सब कुछ समझ में आया है तो इट्स गुड, ओके, वेल एंड गुड. चलो, let's stop here now. See you all tomorrow at the same time.